लेकिन कांग्रेस ने तो इनको इंडिया गठबंधन में भी नहीं शामिल किया। मैं आपको इतना बता सकती हूं, इन्होंने एक चीज याद रखनी चाहिए, अमेठी क्यों नहीं लड़े। हाँ, कौन? राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं लड़े? वो रायबरेली चले गए, एक ही लड़ रहा है परिवार में। हाँ, कारण आपको क्या लगता है? मैं कारण बताऊंगी फिर आप, वो तो कांग्रेस जो कह रही है मैं वो कारण बता दूंगी, पर आपको क्या लगता है आप बताइए ना। जब खुद को डर लगता है ना कि मैं मेरा घर नहीं बचा सकता और मैंने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया, एक निष्ठा से अमेठी के लोगों को न्याय नहीं दे पाया, इसलिए दूसरे कंस्टिट्यूंसी में, नहीं तो हारूंगा भी तो उसी क्षेत्र से हारूंगा, इस चीज से लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं इतना जरूर बताऊंगी कि आज जो कांग्रेस दिमाग में लेके चल रही है कि हर जगह सिर्फ गलत चीजें फैलाकर लोगों की बुद्धि में ये डालना है कि ये करेंगे अगर मोदी जी आ गए। देखिए, मोदी जी तो आने ही वाले हैं, आने वाले हैं, कोई भी नहीं रोक सकता। आपके हिसाब से नंबर? देखिए, नंबर के लिए मैं इतनी बड़ी राजनीतिक नहीं हूँ, मैं नंबर इसलिए पूछ रहा हूँ, मुझे वाली बात थी, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है ये खुद ही डर गए हैं, अब इनमें से कोई 400 पार बोल ही नहीं रहा है, इसलिए कह रही थी। देखिए, नंबर्स तो उन्होंने गिनना चाहिए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, गिनती के लिए हमने ऑपोजिशन को रख दिया है, तो वो गिनती करें। आएंगे, शपथ तो, स्वेरिंग तो हमारे मोदी जी की होगी, इतनी पक्की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।